गुस्से को कंट्रोल करने का एक जबरदस्त तरीका बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुस्से को कंट्रोल करने की विधि जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि गुस्सा आता क्यों है। हम इसे वैज्ञानिक रूप से ना समझकर परंपरागत दार्शनिक रूप से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्रोध क्या है? क्रोध एक अग्नि है। और अग्नि पैदा कैसे होती है? अग्नि पैदा होती है घर्षण से। घर्षण होता कहाँ है? घर्षण होता है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग अनंत है, जिसमें रोजाना 60,000 से ज़्यादा विचार पैदा होते हैं। हमारा दिमाग ढेर सारी सूचनाओं, ज्ञान, भावनाओं और पूर्वाग्रहों का आनंद भंडार है। जब ये सूचनाएं, ज्ञान, भावनाएं और पूर्वाग्रह तर्कहीन अवस्था में होते हैं तो हमारे किसी भी विचार या भावना की हलचल से इनमें घर्षण पैदा होता है, जो कि क्रोध के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्रोध को खत्म करने की बजाय अपनी मानसिक अवस्था को सुव्यवस्थित और संतुलित करें। क्रोध आएगा ही नहीं। मानसिक अवस्था को संतुलित और सुव्यवस्थित करने की एकमात्र सबसे पावरफुल टेक्निक अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसे करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आप अपनी मनचाही स्थिति में बैठ सकते हैं, जैसे मैं सुखासन में बैठा हूँ। यदि आप अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार बैठ जाएं, जिसे कि पद्मासन कहते हैं। अब आप अपने कमर को सीधा रखिए और अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी को इस प्रकार से मिलाएं, जिसे कि ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के मध्य भाग को अपनी नासिका के दाहिने छिद्र को बंद करिए और बाईं नासिका से तेजी से सांसों को अपने फेफड़ों में भरिए। पुनः अनामिका और तर्जनी उंगली से बाईं नासिका छिद्र को बंद करके दाहिनी से सांस को निकालिए। बाईं नासिका छिद्र को बंद ही रहने दें और दाहिनी से पुनः सांस को अपने फेफड़ों में आप भरें। पुनः अंगूठे की मदद लेकर दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करके बाईं से सांस को बाहर निकालें। इस प्रकार से एक बार बाईं नाक से सांस को अंदर भरना, दाहिनी से निकालना, पुनः दाहिनी नासिका छिद्र से सांसों को भरना और बाईं से सांसों को निकालना। इस तरीके से आपका एक साइकिल पूरा होता है। और इस प्रकार आप बारंबार अपनी बाईं नाक से सांस को अंदर भरें, पुनः दाहिनी से सांसों को अंदर निकालें, फिर दाहिनी से सांसों को अंदर भर के बाईं से सांसों को निकालें। इस तरीके से आप जितनी प्रक्रियाएं चाहें इस प्राणायाम की उतनी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है, जिसके द्वारा न केवल आपकी एकाग्रता विकसित होती है, आपका मस्तिष्क शक्तिशाली होता है, आपके मन को पूर्ण शांति मिलती है, बल्कि योगाचार्यों के अनुसार इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर की 72,72,72,210 नाड़ियाँ परिशुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत होती हैं। अतः इस प्राणायाम को आप अपनी डेली रूटीन में लाइए और यकीन मानिए कि आपकी मानसिक अवस्था सुव्यवस्थित हो जाएगी, जिससे कि आप पूरी तरीके से क्रोध और तमाम मनोविकारों को पूरी तरीके से जीत सकें।